अरे धन्यवाद रेडॉन, आपने सो गाइज ये हो रखा है पूरा लैंडस्लाइड। अब आपको ले लद्दाख तक ऐसे ही रोड मिलेंगे पूरा। सो गाइज एक लैंडस्लाइड यहाँ भी है, हर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे लैंडस्लाइड मिल रहा है और बड़े डेंजर है और इस सावधानी से गाड़ी निकालनी पड़ रही है। और यहाँ पर कर रहे हैं तो ताहिर भाई दोस्त को पहले भी बोलो इधर। ताहिर भाई तो दोस्तों ऑलमोस्ट पहुंच गए मनाली में और यहाँ पर हम कर रहे हैं चिल और मैं जा रहा हूँ राइड करने, सेल्फ राइड जिसका कोई चार्जेस नहीं है, कोई रेंट नहीं है। तो ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे, अपने भाई को ऐसे ही प्यार करते रहें, यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ का जो कुछ मज़ा कुछ अलग ही है, अलग ही वाइब्स हैं, यहाँ पर एक बार आना ज़रूरी चाहिए। तो कुछ लोग स्केटिंग कर रहे हैं इधर, कुछ ये माउंटेन में एवरेस्ट की तरह इस टाइम पूरा सजा हुआ है, पूरा पूरा वाइट 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 बर्फ है। तो ये आप लोगों की वजह से ही मोटिवेशन मिलती है, आप लोगों की वजह से ही मैं घूमता हूँ। जितना मेरे भाई लोग आप प्यार देते हो उतना ही मुझे घूमने के लिए चिल करने के लिए पावर मिलती है। सो मैं निकला हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम्स, बट अभी मैं जा रहा हूँ कुछ अलग करने। वो अब मैं जाऊँगा हाई हिल्स पे, वहाँ से मैं सेल्फ स्लाइड करके आऊँगा। ना मेरे पास टूप होगी ना कुछ होगा, चल चुका हूँ अपनी मंजिल की ओर और वहाँ से मैं करूँगा सेल्फ स्लाइड। देखने में तो कुछ डेंजर है बट काफ़ी लोग कर रहे हैं तो लगता नहीं है मुझे कुछ गड़बड़ होगी। अगर गड़बड़ होती है तो कल्ला मालिक है, बाकी ट्राई करते रहो, गिरते रहो ऐसे मेरी तरह और मोहब्बत से चढ़ते रहो। डर लग रहा है, क्या करूं, करनी चाहिए नहीं चाहिए, कर ही लेते हैं। मजा आ गया। पूरा मजा करके निकल रहे हैं सिसु की तरफ और सिसु जाने की पहली पहचान दोनों तरफ बर्फ ही बर्फ है, क्योंकि ये रोड ब्लॉक था। ये रोड को काटने के बाद ये साइड कराया बर्फ मशीनों ने, उसके बाद ये रोड खुला है। बट काफी दूर तक रोड खुला नहीं है, सुनने में इतने आ रहा है सिसु तक खुला है। तो कोशिश करेंगे सिसु टच करने की आज, अगर सिसु टच नहीं हो पाता तो कल निकलेंगे, फिर हम कहीं यहीं पर कैंपिंग वगैरह लगाएंगे और यहीं पर अपना रात को स्टे करेंगे, चिल करेंगे। ये देखो इधर भी अगला जो ये आ रहा है, दोनों तरफ ये आइस है और ये मशीनों से हटा रखी है सब, क्योंकि रोड का आर्मी और आर्मी के लिए खोलना पड़ता है ना, ये कारगिल इधर ही है। अब आपको ले लद्दाख तक ऐसे ही रोड मिलेंगे, पूरा खोद के डाल रखा है, आगे सिंगल गाड़ी क्रॉसिंग है, बहुत ही डेंजर रूट है। देखने में आपको कैमरा में शायद थोड़ा अलग सा लग रहा हो बट यहाँ पर तो पुलिस के आर्मी के जवान खड़े हैं जो गाड़ियों को क्रॉस करा रहे हैं राइट लेफ्ट करके एक एक करके। सो हमारी गाड़ी क्रॉस हो गई है बट अब यहाँ झरना चल रहा है, शायद अगर गाड़ी धुलने में इंतजाम हुआ तो यहाँ फोटो वोटोग्राफी करेंगे। बहुत ही डेंजर और मुश्किल रूट है ना फोटो। तो ये राइट में झरना है और इधर हो रखा है लैंडस्लाइड। सो गाइस एक लैंडस्लाइड यहाँ भी है, हर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे लैंडस्लाइड मिल रहा है और बड़े डेंजर है और इस सावधानी से गाड़ी निकालनी पड़ रही है। और यहाँ पर अगर ले लद्दाख के लिए जाए तो सजेशन ये देंगे कि एसयूवी गाड़ी हो,
क्योंकि सेडान गाड़ी तो मुझे नहीं लगता। हेलो। तो गाइस जैसे कि हम कुछ समय के लिए रुके थे तो यहाँ एक हमारे भैया का हो गया टायर पंचर और अकेले टायर बदल रहे। हमने भैया से पूछा भैया कोई हेल्प करा दे, तो कह रहे नहीं मैं अकेले कर लूँगा। बाकी हिमाचल के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं। ये चिकन के चक्कर में रुका पड़ा है, टाइगर भाई का दोस्त बन चुका है ये। टाइगर भाई से बड़े प्यार कर रहे हैं। तो टाइगर भाई दोस्त को पहले भी बोलो इधर। टाइगर भाई, ये टाइगर भाई का दोस्त है, इसकी गांड बना मारो ला दी। आओ, अरे भैया की हेल्प करांगे, आओ पंचर हो गया यार गाड़ी। अरे बोलने के भी बता। तो गाइस हिमाचल का कुछ नज़ारे अलग हैं और टायर पंचर हो चुका है, भैया जोड़ रहे टायर पंचर। तो हमने कहा था कि हेल्प कर दे, नहीं कह रहे जाओ आपको हेल्प ही हेल्प नहीं भैया, हम कर लेंगे आप सर जाओ। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं इस टाइम ढारचूला।